कैसे हो सम्राट। आज 1 सितंबर यानी कि ललित सिंह यादव जयंती। तो ललित सिंह यादव जी के जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ललित सिंह यादव जी के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, गौर से सुनिए। जिला कानपुर के गांव कठारा रेलवे स्टेशन झिझक में रहने वाले गज्जू सिंह यादव और मूला देवी के घर 1 सितंबर 1911 ईस्वी में ललित सिंह यादव का जन्म हुआ था। उन्होंने सन 1926 में हिंदी व 1928 में उर्दू भाषा से मिडिल तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद 1929 में वह वन विभाग में गार्ड की नौकरी करने लगे। वह गलत बात का तत्काल विरोध करते थे जिससे वह साथी कर्मचारियों में काफ़ी प्रचलित तो हो गए। सजा के तौर पर कई बार निलंबन का भी सामना उन्हें करना पड़ा। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक व धार्मिक असमानता को लेकर जंग शुरू कर दी। ललित सिंह को पेरियार द्वारा लिखित पुस्तक सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत किताब जो है वो बहुत विवादित किताब रही है। उन्होंने 21 जुलाई 1967 को कृषिनगर जाकर भदंत चंद्रमणि महास्तवीर से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ऐसा ही उनका एक छोटा सा जीवन परिचय आपके सामने रखा हूँ ताकि ऐसे महापुरुष को हम आज के दिन उनके जयंती दिवस पर हम याद कर सके। एक बार फिर से ललित सिंह यादव जयंती की आप सभी को, बहुजन समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय साहब कांशीराम जी की एक लिखित, कांशीराम जी साहब की लिखित नहीं लेकिन कांशीराम जी पर लिखित एक किताब है जो कि पंजाब से आई है, तो मैं आपको उसका कवर भी बताऊंगा और किसने लिखा है वो भी बताऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट, जहां पर किताब आई है उसको रिसीव करते हैं और आपसे बात करता हूं। तो हम अभी है पोस्टल ऑफिस में इंडियन पोस्ट के, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पार्सल रिसीव किया है और ये है पार्सल, और अनबॉक्सिंग करेंगे घर जाकर, मिलते हैं घर। तो ये किताब की अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है और किताब है, मैं कांशीराम बोल रहा हूँ, लेखक है पम्मी लालो मजारा, यह पंजाब से है लेखक, और इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके साहब के संस्मरण को संजोया है और इस किताब में उतारा है ताकि हमें भी उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिले। और यह किताब के बारे में डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने इसमें लिखा है, मान्यवर कांशीराम जी के पीछे गैर बराबरी के खिलाफ और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की अमीर विरासत खड़ी है। उनके मिशन को मंजिल तक पहुंचाना था, ये कतई आसान नहीं था। आज़ाद भारत में हाशिए पर धकेले गए समाज की राजनीतिक जातिवादी राजनीति दलों की चौखट पर नतमस्तक होने को मजबूर हो चुकी थी। ऐसे अंधियारे माहौल में साहेब कांशीराम जी ने क्या क्या नहीं किया अपने समाज के लिए। साहब का पूरा जीवन ही बेहद गतिशील रहा व जबकि हमारा समाज यथार्थवादी अभ्यस्त हो चला है, उनके जैसे नायाब लोग आंदोलन के विरले ही हासिल होते हैं, सो समाज का दायित्व बनता है कि वह कला के भिन्न भिन्न रूपों में ऐसे लोगों के इतिहास को जिंदा रखे ताकि लोग उनसे प्रेरणा और स्पष्टता हासिल कर सके। ऐसा करने के समाज इतिहास की गलतियों को दोहराता नहीं है। ये सारी बातें जो है ये पम्मी जी के बारे में, माननीय कांशीराम साहब के बारे में डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जो संयोजक है मिशन कांशीराम जी, मैं भी कांशीराम इस संस्था का, और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा रह चुके हैं, इन्होंने कहा है इस किताब के ऊपर। तो ज़रूर इसके संस्मरण को मैं आपके सामने रखूँगा, पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे और साथ ही साथ में आपको साहब के संस्मरण भी इन मेरे वीडियोस के द्वारा इसी सोशल डिज़ायर यूट्यूब चैनल पर
देखने को सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।